दोस्तों एक गुड न्यूज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म कद 12th नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के लिए सिलेक्ट हुई है और उम्मीद है कि इस फिल्म को पुरस्कार भी मिलेगा। हालांकि हमारे लिए तो सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि इतने बड़े मंच पर यह फिल्म दिखाई जाएगी। इस बार साइंस फिल्म फेस्टिवल भोपाल में हो रहा है 22 से 26 अगस्त तक, रविंद्र भवन परिसर में यह होगा। तो इस खूबसूरत मौसम में, खूबसूरत शहर भोपाल में 5 दिन तक आप विज्ञान फिल्मों का आनंद ले सकते हैं। तो यह अवसर छोड़िएगा नहीं और फिर आपको हमारी फिल्म देखने तो आना ही है। भारत सरकार नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से समाज में सरल और रोचक ढंग से विज्ञान को पहुंचाने का प्रयास कर रही है और इस फेस्टिवल का एक उद्देश्य है, सरकार का एक उद्देश्य है कि समाज में साइंस को लेकर के साइंटिफिक टेम्परामेंट का निर्माण हो। तो दोस्तों कद हमारी जो फिल्म है वो लोगों को एक मनोविकार से बाहर निकालने का प्रयास करती है, उसी उद्देश्य से इस फिल्म का निर्माण किया है। इस फिल्म के निर्माण में डायरेक्टर नीलम पटेल और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के प्रोड्यूसर और इस फिल्म के एडिटर मनोज पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर राहुल खड़िया, डॉक्टर गजेंद्र सिंह अवस्या की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस फिल्म में थोड़ा बहुत जो अभिनय दिखाई देता है, अभिनय किया है, वो जर्नलिज्म की स्टूडेंट हैं सुप्रिया, उन्होंने इस फिल्म में अपनी भूमिका निभाई है। तो दोस्तों 12वें साइंस फिल्म फेस्टिवल में हम मिलते हैं भोपाल में, तो आप जरूर आएंगे ऐसी उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत।